आपने जो जिंदगी दिया ना, इस जिंदगी में तीन फेजेस होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये फेज कुछ ऐसे होते हैं, एक फेज होता है बचपन का फेज, दूसरा होता है जवानी का फेज, और तीसरा होता है बुढ़ापे का फेज। बचपन के फेज में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को देखो कुछ भी उछल कूद, काम धूम डाम धूम कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी भरपूर है, ताकत नहीं है। दूसरा बुढ़ापा, बुढ़ापे में सिर्फ मैच्योरिटी बहुत हो गई है, स्ट्रेंथ नहीं बची है, एनर्जी नहीं बची है। और तीसरी जवानी, सर जवानी में मैच्योरिटी भी है, चीजों की समझ भी है, एनर्जी भी भरपूर है और स्ट्रेंथ भी भरपूर है। और इसी जवानी में डिग्री के पीछे अपनी जिंदगी खत्म कर डालते हैं लोग। सरकार एक कौशलता बढ़ाने के लिए होती है जवानी, अरे दुनिया बदल देने के लिए होती है जवानी। आज का युवा मैं देखता हूँ इंटरनेट पर कूपन कोड ढूंढने के लिए घंटों घंटों लगाया जा रहा है। आईफोन सस्ता कहाँ मिल रहा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट या नजर एक एक महीने से सर्च चल रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना, कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ ईएमआई पे मिलेगा, कहाँ नो कॉस्ट ईएमआई लग जाए। कॉलेज में नई लड़की आई है, फोन नंबर निकालो, टिंडर पे है भी नहीं, फेसबुक पे जरा चेक करो इसके बॉयफ्रेंड है कि नहीं। सर एक बात बताऊं, कर्म ना आपसे मिलने आता है एक ना एक दिन, हर किसी से मिलने आता है। जिस दिन आपसे ये कर्म मिलने आएगा ना, ये जो फालतू की चीजों में समय खराब कर रहे हो, जवाब नहीं होगा आपके पास देने के लिए। माँ बाप पेट काट के आपको पढ़ाया, माँ ने ना जाने कितने सालों तक कितने पर्व त्योहार में अपनी साड़ी ना खरीदी हो, पिता ने किस मजबूरी में आपके लिए फीस इकट्ठा किया हो, जवाब नहीं होगा आपके पास। रांझना मूवी में एक डायलॉग था कि मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं, बहुत सही बात है ये। सर जब तक जिंदगी में कामयाब नहीं होना, आपका प्यार किसी को चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। आप चाहे हीर रांझा को देख लो, लैला मजनू को देख लो, सिंड्रेला की कहानी देख लो, सर हीरोइन ना लड़की ना हमेशा जाती है राजकुमार के साथ ही, क्योंकि राजकुमार के पास औकात है, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा पैसा कमाता है वो। जिस तार में करंट नहीं होता ना, उस तार पे लोग कपड़े सुखाते हैं, और कोई काम नहीं है उस तार का, यूज ही नहीं है। कभी ऐसा तार बन के मत रह जाना, जिंदगी को कभी ऐसे हल्के में मत लीजिए, और माँ बाप का ख्याल रखिए। पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं वो, जिंदगी के कई साल उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानी हर दिन दी होगी, पता नहीं हर मिनट हर सेकंड वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आप एक बार में प्रेशर में आके इसको खत्म कर डालते हो। सर पाप है ये, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ऊपर वाला के पास जब पहुंचते हैं ऐसे लोग ना, मुझे नहीं लगता माफ करते होंगे, क्योंकि जिसने पैदा किया उसी का दिल दुखा करके जा रहे हो यार, कौन माफ करेगा फिर। कार्य कौशलता पर ध्यान दीजिए, स्किल पर ध्यान दीजिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आज।